चाहते हैं कि इसी टाइम इसी समय जो डिपू के प्रधान इनको स्थगित किया जाए और हमारी पंचायत ने अगर उनको बनाया तो पंचायत यही चाहती है कि मौके पर उनको स्थगित किया जाए और ये जो इंटरव्यू हो रहा है वो यहीं पे रद्द किया जाए और नए सिरे से जो होगी इसकी कार्यवाही होगी। थैंक यू। सर आज हमारे जो है डिपू में जो है वो नियुक्ति होनी थी, डिपू में जो बंदा रखा जाना था एक, जब हमें इस बात का कोई इंटीमेशन नहीं था, पंचायत को इस बात का कोई इंटीमेट नहीं किया, उन्होंने किसी को इसने इंटीमेट नहीं किया। जब मौके पर मुझे इस बात का पता चला तो मैं सुबह मौके पर आई तो फूड इंस्पेक्टर जो भी थे इनके वो धर्मशाला से आए हुए थे, मैंने इनको जो डिपू के हमारे प्रधान हैं श्री शंकर दास जी, मैंने उनको पूछा मैं सर आप आज इधर डिपू में कोई मतलब अपॉइंट कर रहे हैं बंदा, तो वो मेरे को बोलते हैं हाँ जी। मैंने बोला सर आपने मतलब मेरे को भी इंटीमेट नहीं किया इस बारे में, आपने पब्लिक को किया, वो मेरे को बोलते क्यों नहीं किया पब्लिक को, तो हमने बोलते इंटीमेट किया था। मैंने बोला नहीं मैं तो आज फिर मैंने जहाँ तक मेरे से संभव था मैंने लोगों से जानकारी ली थी तो लोग बोलते हमें इस बारे का कोई इंटीमेशन नहीं था, तो वो मेरे को बोलते हैं हमने आपको भी किया था। मैंने बोला सर मुझे 6 महीने हो गए इस पंचायत में और मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं था कि आज पंचायत में इंटरव्यू है कि कुछ है, तो मुझे बोलते हमने 8 महीने पहले बोलते आपके पंचायत सेक्रेटरी को बोला, जब मैंने पंचायत सेक्रेटरी से बात की वो बोलते प्रधान जी हमें कोई इंटीमेशन नहीं है, और वो बोलते कि अगर इन्होंने 8 महीने पहले बोला तो कोई ये थोड़ी उसमें ये बोला था कि आज इंटरव्यू होगा, और जब नई पंचायत बैठती है नई सरकार बनती है तो उनको इंटीमेशन होता है, और कोविड में जितनी भी एप्लीकेशन आई आपको पता है वो सारी रद्द हो गई हैं नई सिरे से होगी। और जैसे मैंने उनको पूछा कि आवेदन भरने वाले कौन कौन है तो जहाँ तक मेरे से संभव हुआ मैंने जानकारी ली तो आवेदन भरने वाले ज़्यादातर जो थे जो इस टाइम हमारे डिपो में लगे हैं उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी बहन, उनके अन्य जो भी थे जो उनके मतलब रिश्तेदारी से आते जाते थे, तो हमने एक सवाल कर दिया मेरे मन में मैं क्या कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब एक परिवार से उठा के रख दो पूरी पब्लिक को उसका इंटीमेशन होना जरूरी है। मैंने अपनी पब्लिक को इकट्ठा किया, मैंने पब्लिक को पूछा, मैं कहा चलो मैं तो प्रधान अभी 6 महीने से बनी हूँ, आप तो मतलब यहीं के निवासी हो कई टाइम से, आपको इंटीमेशन था 8 महीने पहले कि आज इंटीमेशन था, तो मेरी पब्लिक आप लोगों के सामने खड़ी है, वो मेरे को बोलती है हमें किसी को पता ही नहीं था डिपो में बंदे रखे जाएंगे, और ये लोग बोलते हैं कि हमने उधर पोस्टर लगाए, उन्होंने 2 पोस्टर दिखा दिए, ये लोग बोलते हैं कि पोस्टर दिखाए हैं और पब्लिक अनपढ़ नहीं है, तो पब्लिक देखो पूरी पब्लिक आपके सामने खड़ी है, पब्लिक को पता ही नहीं है, और जो हमारे डिपो के प्रधान है वो मुझे बोलते हैं कि मैं प्रधान हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा, और जो मौजूदा इधर डिपो में प्रधान तो थे ही, और जो मतलब कि जो जो वो बाहर से इंक्वायरी वाले आए हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेना था, जब मैंने उनके आगे अपनी बात रखी तो वो मुझे बोलते हैं कि प्रधान जी आप यहाँ से जाओ आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं मौके की प्रधान हूँ, मैं इस इलाके की प्रधान हूँ, क्या मैं आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ? अभी आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि इसी टाइम इसी समय जो डिपो के प्रधान इनको स्थगित किया जाए और हमारी पंचायत ने अगर उनको बनाया तो पंचायत यही चाहती है कि मौके पर उनको स्थगित किया जाए और ये जो इंटरव्यू हो रहा है वो यहीं पे रद्द किया जाए और नए सिरे से जो होगी इसकी कार्यवाही होगी। ओके थैंक यू।